वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जीएसटी में, ऑफसेट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। आज कुछ हम नई बात करेंगे और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये काफी पुराना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जिनमें वो काफी बार उलझे हों रिटर्न फाइलिंग के वक्त। और ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग कंप्लायंसेस में हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की, उनको टच करता है। सो मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 49, 49A, 49B और उसके बाद एक सर्कुलर आया बोर्ड का, सर्कुलर नंबर 98/17/2019। मैं इस कंट्रोवर्सी को आपके लिए थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ सके कि अल्टीमेटली कंट्रोवर्सी है क्या। फिर हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी कोई रिटर्न फाइल करी है जीएसटी R3B, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी कि सपोज आपकी जो लायबिलिटी है IGST की, CGST की एंड दी SGST, वो हम इसके हिसाब से लेते हैं, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है सर्कुलर में, इसके माध्यम से समझते हैं कि अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड टैक्स की है 1000 रुपीज, सेंट्रल टैक्स की है 300 और स्टेट टैक्स की है 300 और आपका ITC है 1700, तो एक लेमन बोलेगा कि आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स थ्रू कैश बिकॉज यू हैव सफिशियंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, your output liability is 1600 and your input tax credit is 1700. अब जो हमें जीएसटी लॉ ने घुमाया गोल गोल, उसको समझते हैं कि क्या किया जीएसटी लॉ ने और क्या प्रोविजन है, क्यों ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई और क्यों जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया और जिन लोगों ने लॉ बनाया वो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। ये मेरा आउटपुट लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स, और ये मेरा इनपुट टैक्स है 1300, 200, 200, राइट। कहां से प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम यहां से आई फ्रेंड्स कि सेक्शन 49 जो है, उस 49 में यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बात कही गई है और उस सेक्शन में यह कहा गया कि जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे तो सबसे पहले आप यूटिलाइज करेंगे IGST को, और IGST को आपको कंप्लीटली यूटिलाइज करना है, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता आप COS को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे अगर इस एग्जाम्पल में बात करूं, आपको मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे 1000 रुपए IGST पे करना है, 1000 रुपीज। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 1000 को पे करने के लिए मैं इस 1300 में से 1000 रुपीज विड्रॉ करूंगा, यहां बैलेंस बचेगा 300। अब बारी आएगी CGST की, फिर SGST की। तो जो 49 ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, वो ये करी कि 49.5 ने बोला कि CGST की जो आपकी लायबिलिटी है 300 की, इस लायबिलिटी को आप सबसे पहले कहां से लेंगे, इस 300 को यूज करके इसको पे करेंगे। तो मैंने ले लिया यहां से 300, यहां पे बचा जीरो, IGST का क्रेडिट जीरो है और यहां पे मेरे पास 200 CGST में ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। फिर बारी आती है SGST की। SGST में मेरे पास 300 का आउटपुट लायबिलिटी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट 200 का है, तो मैं इसको 200 यूटिलाइज कर पाऊंगा, यहां पे जीरो हो गया और यहां मुझे 100 रुपीज कैश में जमा करना पड़ेगा, कैश इन द सेंस बैंक अकाउंट से। हुआ ना फ्रेंड्स एक ऐसी पिक्यूलियर सिचुएशन जो कमर्शियली लोगों की वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट कर रही थी। मेरे सामने कुछ MNCs के ऐसे भी केसेस आए जिसमें 1 लाख In some instances, ये 20 लाख रुपीज तक था। आप समझ सकते हैं, आपको 20 लाख रुपीज कैश में पे करना पड़ेगा, बैंक से पे करना पड़ेगा, एंड यू आर हैविंग लैक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ CGST। यानी
सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है और एसजीएसटी बैंक से पे करना पड़ेगा। अब इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू किया 98, और आज तक भी जीएसटीएन का जो पोर्टल है वो इसी प्रॉब्लम के साथ डिजाइंड है, वो इसी तरीके से आपका ऑफसेट करता है। जहां तक मैंने अभी किसी को कंसल्टिंग की थी और पोर्टल को जब मैंने देखा तो इसी तरीके से वो डिजाइंड है, आपको उसके अंदर मैन्युअली एडिट्स करने पड़ेंगे जस्ट टू कंप्लाई विद दी मेक कंप्लायंस टू दी सर्कुलर नंबर 98 ने कहा कि आप इसको किसी भी मैनर में यूटिलाइज कर लें आईजीएसटी के क्रेडिट को। आप इसको एग्जॉस्ट आपको 100% करना है, लेकिन आपको कितना यूटिलाइज करना है, सबसे पहले आपको 1000 की लायबिलिटी यहां से अगर पे करनी है तो 1000 यहां से आपने विड्रॉ कर लिया, आपके पास 300 का बैलेंस है। अब आपको दो लायबिलिटी पे करनी है सी की और एस की, आप इसमें सिर्फ 150 विड्रॉ करिए, 150 यहां से आप विड्रॉ करिए सी के लिए और 150 एस के लिए। तो 150 यहां से हमने आई से उठाया, अब इसकी लायबिलिटी 150, और यहां से 150 आई से उठाया एस को पे करने के लिए, तो 150 इसकी लायबिलिटी है। अब अल्टीमेटली 150 यहां से आराम से पे हो जाएगा और इसके अंदर 50-50 का बैलेंस बच जाएगा। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग इन कैश, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर। सो फ्रेंड्स, ये सर्कुलर था काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर योर रेफरेंस फॉर योर प्रैक्टिकल यूज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें से कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।